अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ट्रेड, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट में गए, आपने जी मार्केट में जाके इस मौसम में जी स्वेटर परचेज करने हैं। स्वेटर के ऊपर जो कीमत लिखी होगी ना, उसको हम जी कहते हैं रीटेल प्राइस, या उसको कहते हैं स्केजुअल जी प्राइस, या उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। इसी चीज जी के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, उस कीमत के तीन नाम होते हैं, स्केजुअल्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस या रीटेल प्राइस। अच्छा, जब हम लेने जाते हैं ना, वो अक्सर कहते जी नहीं 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को हम जी ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, जो रीटेल प्राइस पे दिया जाता है। वो डिस्काउंट, जी डिस्काउंट को हम रिबेट भी कहते हैं, डिस्काउंट को अलाउंस भी कहते हैं, डिस्काउंट को हम रिडक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन होता है कमी, ठीक है? तो जी वो रिबेट, वो अलाउंस जो किस पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे या स्केजुअल्ड प्राइस पे दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को देता है। यानी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे या होलसेलर जी रिटेलर को दे, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इसकी मैं एक और निशानी बताता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट जी इज नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन स्पॉट ना, ऑन ना एट द टाइम ऑफ सेल। ये सेल के टाइम पे दिया जाता है, जब हम चीज सेल कर रहे होते हैं, और इसको जी ऑन स्पॉट डिस्काउंट भी कहते हैं। इसको ऑन स्पॉट डिस्काउंट भी कहते जी हैं। अच्छा जी, यार मैंने आपको एक जैकेट बेची जी से ₹10,000, और उस पे मैंने आपको 10% डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे बताओ कितना डिस्काउंट जी बनेगा आपका? सर, इसका 10% लें तो 1,000 बन गया, तो डिस्काउंट 1,000 बन गया। तो अब आपने मुझे कितनी प्राइस पे करनी है? 9,000। आपने मुझे कितनी प्राइस पे करनी है? 9,000। आपने पता मुझे क्या कहा? ओ नाइन सर, थाउजेंड अभी तो जेब जी में नहीं है, 2 महीने बाद दूंगा, लो नई नाइन मुसीबत थाउजेंड हुई। अब आपने मुझे 9,000 तो पे करना है, लेकिन कब दोगे? आप कह रहे हो जी आफ्टर 2 मंथ दूंगा, 2 महीने बाद। मैंने कहा अच्छा चल ले जा यार, बिके तो सही ना, आज की सेल ही कोई नहीं है, चलो बिके तो सही ना। चलो मैंने बेच दी, बिक गई। अब 2 महीने बाद, हाँ मुझे ना जी 10 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने आपको कॉल की, मैंने कहा यार अली, आपने मुझे 9,000 देना है ना, मुझे आप ऐसा करो 7,000 दे दो, अभी दे दो। आप कहोगे मौजें लग गई, जी 2,000 और डिस्काउंट मिल गया। तो इस डिस्काउंट को कहते हैं कैश डिस्काउंट, इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। वो जी डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को देता है, जी कैश ताकि उसकी अमाउंट डिस्काउंट जो है, उसकी जो अमाउंट जो है वो विद इन और बिफोर टाइम, या तो विद इन या बिफोर टाइम उसको पैसे मिल जाए। बिफोर टाइम उसकी, इट इज द रिडक्शन ऑफ प्राइस जी ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर टू रिसीव द अमाउंट विद इन आर बिफोर टाइम, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक हो गया? जी चलो, अब अली सेल क्या होती है? सेल्स, जी कैश सर सेल होती डिस्काउंट है, हाँ जी सेल्स क्या होती है? सेल की डेफिनेशन मुझे बताओ। सर, जब हम चीजें किसी को बेचते हैं ना, तो उसको सेल्स कहते हैं। When goods are sold to the customers on specific price is called sales. जी जी जब हम कस्टमर को चीजें खास कीमत पे बेचते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्स। सेल 2 तरह की होती है, या तो कैश में हम चीज देते हैं और कैश लेते हैं, या उधार पे, सेल या उधार पे, ठीक है? अच्छा, कस्टमर को चीजें वापस पसंद नहीं आई, वो हमें वापस करके जाएगा, पर जी उसको कहते हैं सेल रिटर्न। उसको हम क्या कहते हैं? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द जी कस्टमर, रिटर्न रिटर्न बाय कस्टमर, सेल रिटर्न सेलर, जब चीजें कस्टमर सेलर को वापस करता है, ठीक है? ड्यू टू क्या वजह हो सकती है? ड्यू टू
ड्यू टू शॉर्टेज कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी हैं, ड्यू टू डिफेक्ट्स, उसको पसंद नहीं आई, उसको पसंद नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोई डिफेक्ट हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है, उसके अलावा उसके अंदर कोई क्या हो सकती है, डेफी, बस शॉर्टेज और डिफेक्ट ही बड़ा है, शॉर्टेज एंड डिफेक्ट, ठीक है. When goods return by customer to seller due to shortage or defect. यहाँ हो सकता है अगर damage वगैरह हो तो वो बोले कि नहीं आप चाहिए, सही damage है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. So these will be recorded in sale return book, also called return inward. ठीक है, तो इसको हम बस यही बहुत है. अच्छा, purchases क्या होती हैं अली? सर जब हम चीजें इसलिए खरीद के लाते हैं कि हमने उनको आगे बेचना है तो उसको हम परचेजेस कहते हैं. जब हम चीजें इसलिए खरीद के लाते हैं कि हमने उन्हें आगे बेचना है तो उनको हम परचेजेस कहते हैं. परचेजेस भी दो तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट. अच्छा, जब आपको चीजें मिली, व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट, ठीक है, आर रिटर्न टू सप्लायर, आप अपने सप्लायर को वापस करने लगे हो, ड्यू टू, आप क्यों वापस करने लगे हो? सर वही रीजन है ना, जो ऊपर शॉर्टेज हो सकती है या कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेजेज रिटर्न कहते हैं, और उसको हम परचेजेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो अली आपने इस लेक्चर को कम से कम दो